स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में, जो कि आज हम ये पावर फैन की मोटर है उसकी बुशिंग चेंज करने वाले हैं। तो अब चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने नट वो खोल लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये नट खोल लेंगे, चारों चार जिसमें लगे हुए हैं पीछे की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम मोटर खोलने से पहले यहाँ मार्क कर लिए, आप देख सकते हो, इसी तरह से हम मार्क कर लेंगे मार्कल की मदद से। चलो तो फटाफट ये चारों नट खोलते हैं। तो फिर हमने हमारे चारों बोल्ट निकाल लिए हैं, अब हम इसको खोलते हैं। पहले पीछे वाला खोल के निकाल लेंगे। तो फिर देख सकते हो आप, इसी तरह से हमको निकालना रहेगा एकदम आराम से। इसके बाद हम अपनी सेफ्टी जो है वो भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो हमने हमारी जो सेफ्टी है वो भी निकाल ली है। तो फ्रेंड, हम पहले इसकी बुशिंग चेक करते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो कि एकदम ढीली हो चुकी है। अब हम दूसरे बॉडी की चेक करते हैं बुशिंग। तो दूसरी बॉडी की भी एकदम ढीली हो चुकी है बुशिंग, इसीलिए आवाज़ कर रहा है। तो हम पहले दोनों बॉडी की आपको बुशिंग चेंज करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, इसकी हम जो रिवीड है वो ठोक के निकाल लेंगे बुशिंग खोलने के लिए। फ्रेंड देख सकते हो, इसी तरह से हम इसको खोल के निकाल लेंगे सब रिवीड। तो फ्रेंड देख सकते हो, हम इसी तरह इसको स्पंज की मदद से ठोक के निकाल रहे हैं इसकी रिवीड। तो इसमें नवी रिपीट लगाएंगे हम चार। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो जो कि हम खोल लिए हैं इसके ऊपर की पट्टी। अब हम इसको निकालने वाले हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा बुशिंग है पुरानी वाली। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो जो कि हमारा बुशिंग है जो गोल हो चुका है घसा के, इसके वजह से हमारा बुश ढीला हो जाता है। तो अब हम इसमें नया बुशिंग बिठाएंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो ये हमारी नवी बुशिंग है। ये वाली बुशिंग हम इसमें डालने वाले हैं। पहले हम इसमें सेफ्टी में लगा के चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने सेफ्टी में लगा के चेक कर लिया, एकदम परफेक्ट है हमारी ये बुशिंग। तो चलो अब हम इसके बॉडी में इसमें यहाँ पे बिठाते हैं इसकी बुशिंग। चार रिपीट मारेंगे इसमें बिठा के। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इधर बुशिंग बिठा लेंगे अपने इसमें। उसके बाद इसके ऊपर ये रुई वाली पैकिंग जो आती है हमारे पास, ये डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ऊपर से हम। इसके ऊपर हम दो रुई वाली पैकिंग दो बिठाएंगे कि हमारा बुश एकदम टाइट रहे, हिले डुले ना। उसके ऊपर जो हमारी क्लिप आती है बुश लॉक करने वाली, वो लगाएंगे एकदम। फ्रेंड देख सकते हो आप, इसी तरह से आपको सेम टू सेम करना रहेगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम बुशिंग बिठाने से पहले ये ऊपर वाली एक क्लिप ये लगाएंगे, एक ये लगाएंगे, दो क्लिप लगाएंगे। आप देख सकते हो, एक लगा ली हमने, दूसरी लगाने जा रहे हैं। तो ये दो क्लिप लगाने से क्या होगा कि हमारा बुश एकदम टाइट रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं जैसे आपको दिखाया था हिलते हुए। अब इसके ऊपर वाला भी हम लगा लेंगे। तो फ्रेंड, हम ये वाला इसके ऊपर का जो है जिसमें हम रिपीट लगाएंगे वो वाला भी लगा लेने। देख सकते हो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा एंड तक का देखिएगा आप, ये स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने पहली रिपीट जो है सेट कर ली है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, अब हम इस पर हमारी स्पंज की मदद से इसको ठोक के टाइट करेंगे रिपीट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, इसी तरह से आपको भी बिठाना रहेगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जो कि हमने हमारी रिपीट चारों चार लगा दी है नई बुशिंग के साथ। अब इसको हम एक बार चेक कर लेंगे हमारी बुशिंग बराबर टाइट वाइट है कि नहीं। तो आप देख सकते हो एकदम कंप्लीट है हमारी बुशिंग, इसमें थोड़ी सी भी प्ले नहीं बता रहा है, डग नहीं बता रहा है। तो सेम इसी तरह हम जो हमारी दूसरी बॉडी है उसमें भी सेम इसी तरह से चेंज करेंगे बुशिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो देख सकते हो आप, इसमें जो रिवीट मारी है सेम उसी तरह से निकाल लेंगे जो जिस तरह से हमने पहले निकाली थी पहले बॉडी में। तो चलिए इसकी भी निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसी की भी हमने बुशिंग निकाल ली है। अब हम आपको इसकी नई बुशिंग दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, सेम बुशिंग जो हमने आपको पहले दिखाई थी वाली बुशिंग इसमें बिठाएंगे। उससे पहले जो हम रू वाली पैकिंग डालते हैं वो पैकिंग एक डालेंगे, क्योंकि हम दो पैकिंग डालते हैं। फिर से थोड़ा हल्का सा ऑयल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने ये हमारी दो पैकिंग रू वाली बिठा ली है। उसके ऊपर जो हम एक्स्ट्रा दो पैकिंग और लगाते हैं क्लिप वाली, वो भी लगा लिए हैं, आप देख सकते हो गाइस। अब उसके ऊपर जो हम जिसमें हम रिपीट फिट करेंगे वो भी लगा ले रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सेम उसी तरह से हम इसमें भी रिपीट लगा लेंगे सेम टू सेम। थोड़ा टाइट कर लेंगे पहले हथौड़ी की मदद से, आपको अगली बार जिसमें दिखाया था। तो चार चार रिपीट लगा के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने इसमें अपनी रिपीट मार के बुशिंग कंप्लीट कर दी है। अब हम आपको दोनों बॉडी दिखाते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, दोनों बॉडी में हमने अच्छे से बुशिंग हमारी नई लगा ली है। अब हम आपको इसमें फिटिंग करके दिखाते हैं मोटर। तो फ्रेंड्स, हम इसमें हमारी बॉडी में बिठा लेंगे जो वायर है पहले। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमको इस वायर निकाल के इसी तरह से अच्छे से बिठा लेना है इसको। नीचे वाली हमारी जो ये बॉडी है बिठा ली है। अब इसके ऊपर जो हमारी सेफ्ट है वो लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी जो सेफ्ट है उसमें हल्का सा ग्रीस लगा लेंगे,
और थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा लेंगे कि हमारा एकदम फ्री रहे बुशिंग के अंदर। देखो हल्का सा ग्रीस और थोड़ा सा ऑयल लगाना है आपको, तो हम इसके अंदर बिठा लेंगे यही। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो एकदम अच्छे से हम इसको बिठा लेंगे जिस तरह से हमने निकाला था। तो फ्रेंड्स हमने ऊपर भी थोड़ा हल्का सा ऑयल और हल्का सा ग्रीस लगा लिया है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। वीडियो पूरा एंड तक का देखिएगा और जल्दी से जल्दी जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये वाला भी हम इसकी बॉडी बिठा लेंगे जहाँ मार्क किया था उसी के हिसाब से। तो फ्रेंड्स हम इसका नट लगा के इसमें अब टाइट कर दिए हैं दो, अब सब नट ऐसे हम इसी तरह से लगा के टाइट कर लेंगे बॉडी बिठा के अच्छे से। हमने इसको पूरा फिटिंग कर लिया, आप देख सकते हो एकदम हमारा मोटर फ्री हो चुका है एकदम कंप्लीट। अब हम इसमें कैपेसिटर लगा के चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारा मोटर बराबर घूम रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स हम कैपेसिटर लगा रहे हैं इसमें, जो कि हमारे ये मोटर है इसमें 3.15 का कैपेसिटर लगा हुआ है, कि हैवी है ये फराडे का मोटर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको सीरीज़ पे चेक करेंगे, आपको देख सकते हो दिखाते हैं हम सीरीज़ पे चेक करके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो एकदम हमारा कंप्लीट हो चुका है मोटर एकदम। फ्रेंड्स ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।